खबर 365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड में कुज्जू में रैयत विस्थापित मोर्चा की संयुक्त बैठक संपन्न। सीसीएल कुज्जू चरही क्षेत्र टिस्को वेस्ट बोकारो डिवीजन के विस्थापितों की संयुक्त बैठक परिजात क्लब कुज्जू में योगेश्वर सिंह भोक्ता के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष फागु बेसरा मौजूद थे। राजकुमार महतो, सैनाथ गंजू, बलराम महतो, विजय हेम्ब्रम, सोनाराम टुड्डू, मुहरलाल महतो, सुखदेव महतो सहित सैकड़ों विस्थापित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में 25 सितंबर 2018 को रैयत विस्थापित मोर्चा का 8वां स्थापना दिवस गांधीनगर रांची में हजारों की संख्या में शामिल होने का निर्णय लिया गया। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ से हीरा सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग रजत विस्थापित मोर्चा जूचरी घाटो तमाम विस्थापितों की एक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है और रजत विस्थापित मोर्चा का आगामी 25 सितंबर 2018 को हम लोग 8वां स्थापना दिवस मनाने का तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ तैयारी बैठक किए हैं और इस क्षेत्र से विस्थापित लोग अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए 25 सितंबर को हजारों हजार की संख्या में लोग बातचीत कुछ करेंगे। जिस तरह से इस राज्य में, इस देश में देश के विकास के नाम पर, कोयला खदान के नाम पर, स्टील प्लांट के नाम पर, सिंचाई परियोजना के नाम पर और प्लांट के नाम पर यहाँ पर जो जमीन का जो अधिग्रहण किया गया है और जमीन के जो भूस्वामी मालिक हैं, विस्थापित लोग आज अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और ये विस्थापितों के अंतर आत्मा से जो आवाज़ निकली है अपने अधिकार के संघर्ष के लिए, ये जो मोर्चा बना रही है विस्थापित मोर्चा, और इस मोर्चा के माध्यम से चाहे वो ऑल इंडिया प्रबंधन हो, टाटा कंपनी हो, स्टील प्लांट प्रबंधन हो, TDPC प्रबंधन हो या राज्य सरकार या भारत सरकार हो, हम लोगों ने जो मांग रखा था उस मांग के अनुरूप भारत सरकार ने, UPA 2 सरकार ने भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 बनाया और उसके हिसाब से रैयतों को अब अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ जो ओल्ड एक्विजिशन का जो मामला, पुराना वर्षों पहले जो जमीन का अधिग्रहण किया गया जिसका कंपनसेशन आज भी विभिन्न न्यायालयों में, भू अर्जन कार्यालयों में सरकार के